हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं टेक्निकल विक्की जोन यूट्यूब चैनल। और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं MIUI 11 के फर्स्ट स्टेबल अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यहां पर जो MIUI 11 का जो फर्स्ट स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये MIUI 11 का फर्स्ट स्टेबल अपडेट है 11.0.3.0 का और 689 MB इसकी साइज़ है। दोस्तों फिलहाल के लिए चाइना में रिलीज़ किया गया है और एक से दो वीक बाद यहाँ पर इंडिया में भी सेम अपडेट आपको स्टेबल का देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों बात करेंगे कि क्या कुछ नए फीचर होंगे और कब तक आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, किन किन स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। तो गाइज वीडियो को जो लाइक टारगेट है वो रखते हैं 50 और उम्मीद करते हैं आप इसे ज़रूर से पूरा करोगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस अपडेट की कि अपडेट कौन सा अपडेट है और क्या कुछ नए फीचर आपको इस अपडेट में देखने को मिलेंगे। यानी कि MIUI 11 का जो फर्स्ट ग्लोबल स्टेबल अपडेट होगा उसमें क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं MIUI 11 जो फर्स्ट अपडेट है उसकी डाउनलोडिंग लिंक यहाँ पर आ गई है। फिलहाल के लिए रेडमी की K20 सीरीज़ के लिए यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आया है। दोस्तों चाइना स्टेबल रोम है ये फिलहाल, और इसके जो फीचर है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो K20 एंड्रॉयड है वो क्यू पे यहाँ पर आएगा और 11.0.3.0 का ये अपडेट है। चेंज लॉक की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी और वो होगी 24 और वॉलपेपर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये एक नई चीज़ यहाँ पर नए अपडेट में ऐड कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों एक अपडेट आया है लॉक स्क्रीन स्टेटस बार और नोटिफिकेशन सेट से भी। तो यहाँ पर दोस्तों मोर क्लॉक फॉर्मेट फॉर अम्बाइन डिस्प्ले। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या नया फीचर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारी सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद दोस्तों अम्बाइन डिस्प्ले। दोस्तों अम्बाइन डिस्प्ले को मैं यहाँ पर करता हूँ अनेबल और इसको अपन ओपन करके देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी यहाँ पर आपको ऑप्शन आपको मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ और यहाँ पर स्क्रीन यहाँ पर ऐड करके दिए जाएंगे आपको। तो ये एक नई चीज़ आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कि और क्या कुछ नया निकल कर आया है तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर यूज़ योर फिंगरप्रिंट टू ओपन होम स्क्रीन वंस यू अनलॉक द डिवाइस यूजिंग फेस डाटा एंड स्टे ऑन द लॉक स्क्रीन। तो दोस्तों ये भी एक नई चीज़ बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर जोड़ी जाएगी, यूज़ योर फिंगरप्रिंट टू ओपन होम स्क्रीन। तो बहुत बढ़िया बात है, और एक बार अगर आपने इसे अनलॉक कर दिया है तो आप फेस डाटा या फिर आप लॉक स्क्रीन पर भी रह सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन आपको नए यहाँ पर दिए जा रहे हैं नए अपडेट में, यानी कि काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पर किया गया है, कैलेंडर आइकॉन ऑन द ट्रेंड ऑफ स्क्रीन। तो दोस्तों कैलेंडर आइकॉन ऑन द ट्रेंड ऑफ स्क्रीन यानी ट्रेंड ऑफ स्क्रीन पर आपको कैलेंडर का आइकॉन देखने को मिलेगा, उसे ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए और ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पर क्या किया गया है, तो इम्प्रूव्ड UI एंड लेआउट फॉर सेलेक्टिंग आइटम्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द ट्रेंड ऑफ स्क्रीन। तो दोस्तों जो भी UI थे जो आप मतलब कि आफ्टर स्क्रीन हम ऑफ कर देते थे जो हमें दिखाई देते थे, तो उनमें यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। यानी कि लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन जो भी शॉर्टकट आते हैं उनमें ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसके रिस्पॉन्स को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फिक्सेज की बात की जाए, बग फिक्सेज की, तो फोल्डर विथ अन इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वॉज डिस्प्लेड इवन ऑल द इनकमिंग नोटिफिकेशन वर इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों फोल्डर में जब जो अनइम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन होते थे वो डिस्प्ले करते थे तो ये एक बग था, तो इसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। ये इनकमिंग नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक बग था, तो फिलहाल इस अपडेट में इसे फिक्स करने की कोशिश ज़रूर यहाँ पर की जाएगी शाओमी के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए, फिंगरप्रिंट आइकॉन डिड नॉट ऑलवेज अपेयर ऑन द लॉक स्क्रीन। तो काफ़ी बड़ा बग था, जो फिंगरप्रिंट का आइकॉन था वही शो नहीं करता था लॉक स्क्रीन पर काफ़ी बार, तो इसे भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों फिंगरप्रिंट आइकॉन वॉज नॉट ऑलवेज डिस्प्लेड ऑन द लॉक स्क्रीन। तो दोस्तों सेम बग है जो ऊपर हमें दिखाई देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों फिर से वही फिंगरप्रिंट आइकॉन डिड नॉट ऑलवेज डिस्पेयर आफ्टर अनलॉकिंग। तो ये कुछ तीन प्रकार के बग थे फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, तो इसे यहाँ पर फिक्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर इशूज विथ स्टेबलाइजिंग कनेक्शन विथ टू न्यू प्रिंटर। तो प्रिंटर से नए प्रिंटर को हम जोड़ नहीं पा रहे थे, उसमें कुछ इशू आ रहे थे, तो यहाँ पर इसे भी फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रीव्यूज ऑफ फॉर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट वर नॉट डिस्प्लेड करेक्टली। तो दोस्तों जो हम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे थे तो उसकी जो डिस्प्ले थी वो करेक्ट नहीं कर पा रहे थे और सही से नहीं आ रहे थे, तो इसे भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों द प्रिंट
प्रिंट बटन वॉज नॉट डिस्प्लेड करेक्टली वेन नो प्रिंटर वर सिलेक्टेड। तो दोस्तों जो प्रिंटर बटन था वो शो ही नहीं करता था जब तक जो कोई प्रिंटर सिलेक्ट नहीं करते थे, तो इसे भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों गोइंग बैक फ्रॉम द पेज ऑफ अवेलेबल प्रिंटर लेड टू एरर, ये फिर से प्रिंटर का इशू था। यहाँ पर जब हम बैक जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ एरर यहाँ पर आ रहा था उस पेज में। इसके अलावा दोस्तों ब्लॉक लिस्ट में भी कुछ नई चीज़ें ऐड की गई है, ऑप्टिमाइजेशन किए गए हैं। ए बटन फॉर क्लियरिंग ऑल ब्लॉक मैसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लॉक लिस्ट है फंक्शन है उसके यहाँ पर उसे इम्प्रूव किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों फिक्सेज की बात की जाए, टैग कैटेगरी वर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्लॉक लिस्ट। तो दोस्तों टैग्स हम डालते थे, यानी Xiaomi किसी फ़ोन में यदि आप किसी ब्लॉक लिस्ट में डालते हो तो वहाँ पर आपको टैग का ऑप्शन आता है, तो इसमें टैग की कैटेगरी नहीं शो कर रही थी तो उसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों गेम स्पीड बूस्टर में भी आपको काफ़ी सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंटिन्यू स्वाइपिंग ओपन्स एन एडिशनल मेन्यू इन गेम टर्बो नाउ, तो ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यू कैन क्रिएट ए होम स्क्रीन शॉर्टकट फॉर गेम टर्बो नाउ, गेम टर्बो का अब आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं होम स्क्रीन पर। ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव डिस्प्ले ऑप्शन फॉर लैंडस्केप ओरिएंटल्स, तो यहाँ पर डिस्प्ले में भी ऑप्शन में भी यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रमोट्स अबाउट टर्निंग ऑन द गेम टर्बो, इसे भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बग फिक्सेस की बात फिर से की जाए तो हैंड्स फ्री कॉलिंग डायरेक्शन वाज डिस्प्लेड करेक्टली इन गेम टर्बो, तो ये जो हैंड्स फ्री कॉल डायरेक्शन थी वो सही से काम नहीं कर पा रही थी तो गेम टर्बो के दौरान, तो उसे भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों रिफ्रेश स्टार्टेड पेज ऑफ गेम टर्बो ऑटो ब्राइटनेस स्क्रीनशॉट गेस्चर एंड रीडिंग मोड कैन बी टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन गेम टर्बो इज ऑन, ए मेजर अपग्रेड फॉर द टूल बॉक्स इन द गेम टर्बो। तो दोस्तों आपने देखा होगा यदि आप पबजी खेलते हो या कोई और गेम खेलते हो गेम टर्बो के सहित, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे चेंज यहाँ पर आपको इस अपडेट में देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बग्स यहां पर फिक्स किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑटो प्ले एंड स्विचिंग बिटवीन डाटा एंड सिम कार्ड आर अवेलेबल नाउ, गेम टर्बो में आपको जो सिम है वो स्विच करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा डाटा का, तो ये भी काफी अच्छी चीज हमें यहां पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए यहां पर बैटरी यूजेज से रिलेटेड, तो ऑप्टिमाइजेशन एनिमेशन फॉर बैटरी यूजेज करो, तो ये एक नई चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सॉल्यूशन फॉर डार्क मोड इशू इन थर्ड पार्टी एप्स, तो थर्ड पार्टी ऐप्स में डार्क मोड काम नहीं करता तो उस इशू को भी यहाँ पे थोड़ा देख लिया गया है। रीड एनवेलप असिस्टेंट इशूज इन MIAL, तो दोस्तों ये फीचर अभी इंडिया में नहीं आएगा तो इसको बात नहीं करते हैं। कुड नॉट, अगले बग की बात की जाए तो कुड नॉट टर्न रेड एनवेलप असिस्टेंट ऑन एंड ऑफ, तो ये भी इंडिया के लिए नहीं है। अगले फीचर भी सेम रेड एनवेलप से रिलेटेड है तो इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं। बात करते हैं मी क्लाउड की, तो Xiaomi क्लाउड आइकन कैन अपियर इन द सर्च रिजल्ट ऑफ द सेटिंग ऐप, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो क्लाउड आइटम होंगे वो आप सर्च सेटिंग से जाके सर्च कर सकते हैं, तो ये भी एक नई चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की, तो रीडिजाइन द पेज ऑफ मैनेजिंग क्लाउड स्टोरेज, जो क्लाउड स्टोरेज का पेज है उसे रीडिज़ाइन किया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों Xiaomi क्लाउड है उसे भी यहाँ पर रीडिज़ाइन किया गया है, स्टार्टर पेज है उसको रीडिज़ाइन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फिर से बग फिक्सेस की बात की जाए तो Xiaomi क्लाउड ऑप्शन इन द OOB फ्लो व्हेन टॉकबैक वॉच ऑन, तो कुछ इशूज थे Xiaomi क्लाउड के, जब OOB फ्लो होता था टॉकबैक ऑन होता था तो इसे भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए अगले अपडेट बग फिक्सेज की, तो यहाँ पर फाइंड डिवाइस कुड नॉट बी फाइंड डिवाइस व्हेन GPS वॉज टर्न ऑफ, तो GPS जब ऑफ होता था तो जो फाइंड डिवाइस है वो काम नहीं करता, तो इसे बग को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा सिंक स्टेटस वॉज नॉट ऑलवेज डिस्प्लेड करेक्टली, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा बग था कि जो सिंकिंग का जो प्रोसेस वही काम नहीं कर रही थी, तो इसे भी यहां पर फिक्स कर दिया गया है। तो ये दोस्तों काफी सारे फीचर जो फर्स्ट अपडेट है MIUI 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि MIUI से रिलेटेड अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू गाइज आज का ये वीडियो देखने के लिए।